नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 14 जून को बिहार के लाल यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि आत्महत्या थी या फिर मर्डर थी, इसकी जो है सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी तक भी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उन्हें जान से मारा गया। लेकिन इस मामले में अलग अलग प्रतिपक्ष जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जो है ड्रग्स के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े सितारे जो हैं इसके घेरे में हैं, और जिसका मेन आरोपी यानी कि अगर मेन आरोपी के तौर पर अगर कहा जाए तो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के अलावा दो अन्य लोग जो हैं एनसीबी के पूछताछ के बाद ड्रग के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से दीपिका पादुकोण और भी सारा अली खान के अलावा कई सारे एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया कि वो भी ड्रग्स लेती थी। लेकिन कुछ भी हो, भले ही कोई जेल चला गया हो, लेकिन जो मेन मकसद यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का न्याय का था, उसको अभी तक पुलिस ने जांच नहीं कर पाई है, ना ही सीबीआई उस स्तर तक पहुंच पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला सके। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल ही रहा था तब तक बिहार से एक बुरी खबर आ गई। जी हां, बिहार की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले अक्षत उत्कर्ष, जो कि एक एक्टर के तौर पर मुंबई में रहते थे और इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे काम करने के, उनकी जो है संदिग्ध अवस्था में उनके घर में ही मृत्यु हो गई है। और वो संदिग्ध अवस्था जो है वो खुद जो है फांसी लगाकर उस कमरे में लटके हुए थे। उसके बाद से फिर एक बार नया विवाद शुरू हो गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि आउटसाइडर्स को दबाने के लिए मुंबई की जो इंडस्ट्री है, जो माफिया है, वो कहीं ना कहीं फिर से चालू हो गई है, और ऐसे कलाकारों को कहीं ना कहीं दबाव में डालकर या फिर उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर मार दिया जा रहा है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अक्षत उत्कर्ष के जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है इस मामले को लेकर कोई भी जो मेन इश्यूज होते हैं, लाइक जो कंडीशंस होते हैं, उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, जिसको लेकर बिहार के लोगों में एक अलग सी कहीं ना कहीं धूम मची हुई है, और उसको लेकर लगातार जो है महाराष्ट्र सरकार पर, शिवसेना सरकार पर और मुंबई पुलिस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो मुंबई अंधेरी में रहते थे, 26 साल इनकी उम्र थी और वो मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे, लखनऊ से MBA किए थे, यानी कि बहुत अच्छी खासी उन्होंने पढ़ाई भी की थी, और MBA के बाद वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में मुंबई से रहकर ही काम करने की इन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद से आज जो है इनकी लाश उनके कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। अगर हम बात करें तो अंधेरी वेस्ट के सुरेश नगर में अक्षत उत्कर्ष जो है वो रहते थे, और इनकी जो एक फिल्म थी, एक भोजपुरी की सबसे चर्चित फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है लिट्टी चोखा। जी हाँ, लिट्टी चोखा में एज एक्टर के तौर पर, हालांकि मेन एक्टर नहीं, लेकिन उस फिल्म में एज एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, और इसकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज होकर अपने परिवार वालों को दी थी कि पिताजी, हमने जो है जिस चीज़ करने के लिए मैंने मुंबई आया था उसमें हमें एक अलग मुकाम मिल गया है, और लिट्टी चोखा में मुझे रोल मिल गया है, लेकिन क्या पता कि जिस फिल्म में वो काम करेंगे उससे पहले, रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को अक्षत उत्कर्ष जो है इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, जिसको लेकर अब सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में और खास करके बिहार के लोगों में एक अलग सा खूनों का रब दौड़ रहा है, जिसको लेकर अब जो है मुंबई पुलिस फिर से निशाने पर है, और खास करके महाराष्ट्र सरकार भी निशाने पर है। हमने खबर किया था, उस खबर में आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर और महाराष्ट्र पुलिस पर लोग निशाना साध रहे हैं। हालांकि अगर हम महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो इस पे कोई भी एक लाइक प्रतिबंधित जो केसेस होते हैं उस तरीके की डिलीवरी नहीं ली है, और उन्होंने ये कहकर टाल दिया है कि ये जो मामला था वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फाइनेंशियली इश्यूज के चलते इस प्रकार की मामला जो है अक्षत उत्कर्ष ने लिया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से उनके परिवार वाले ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार ये जरूर उत्पन्न हो रहा है कि आखिरकार परिवार वाले इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर जो है बॉलीवुड कनेक्शन, जो माफियाओं का कनेक्शन होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ जरूर चीज़ें हुई होगी, जिसको लेकर इस प्रकार के परिवार वाले मुंबई पुलिस पर और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना
साथ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उसको लेकर अभी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन इसी प्रकार की चीज़ों को देखते हुए इस प्रकार के अगर केसेज आ जाएँ, इस प्रकार के मामले आ जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अलग सा विचार उत्पन्न होता है कि आउटसाइडर्स को मुंबई में अब अच्छे तरीके से जीना कहीं ना कहीं ये किसी खतरे से कम नहीं है, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब जो है अक्षत उत्कर्ष, जो कि महज 26 साल के थे, काफ़ी पढ़े लिखे और MBA किए हुए थे, वो बजक एक जो है एक रौनक जो अपने चेहरे का है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आकर दिखाना चाहते थे और अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा के माध्यम से इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाना चाहते थे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो इस दुनिया को पंखे से लटक कर वो भी अपनी जान दे दिए। हालांकि जो भी इनके बारे में अपडेट होगा, आकाश उत्कर्ष के बारे में, आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन अभी तक की ये खबर है कि इनके जो परिवारजन हैं वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के अलावा महाराष्ट्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो अक्षत के साथ हुआ है ये कहीं ना कहीं सुसाइड नहीं है बल्कि इनकी हत्या कर दी गई है। आपको इन तथ्यों से क्या लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।